हरियाणा के रोहतक में 23 व 24 दिसंबर की रात को पंजाब के होशियारपुर जिला निवासी दो भाइयों की हत्या मामले का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खुद हाइड्रा का मालिक बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि जयपाल के दिमाग में यह था कि वह किस तरह से खुद की हाइड्रा मशीन बनाए, इसलिए 4 दिन पहले इस वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। जयपाल की सोच थी कि वह हाइड्रा को यहां से लूटकर उत्तर प्रदेश में चलाता रहे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। दोनों भाइयों को फोन पर कहा गया था कि गाड़ी पलटी हुई है, जिसे निकालना है। आरोपी जयपाल ने पूछताछ में बताया कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से फोन करवाया था ताकि कोई इसे ट्रेस ना कर पाए। इसी इरादे से दोनों भाइयों को हाइड्रा मशीन लेकर बुलाया। दोनों भाइयों के पहुंचने के बाद उसने विश्वास में लेकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हम 23 और 24 दिसंबर की रात को दो नौजवान लड़के थे, तो उनका मार के और ट्रैक के ऊपर डाल दिया था, जीन ट्रैक के, रोहतक से जीन ट्रैक के ऊपर डाल दिया था। तो उस संबंध में हमने लड़के के जो मृतक थे दो, उनके फादर का पता किया। पहले तो पता ही नहीं था, पता किया, उसका बयान लिखा, तो उनको मार के और उनकी जेसीबी लूट के नामालूम बदमाश ले गए थे। तो उसकी हमने पर्चा दर्ज करके कार्रवाई की और बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, बॉडी हैंड ओवर कर दी। और हमें हमारे यहाँ रोहतक जीआरपी की टीम को कामयाबी मिली, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर जींद रेलवे थाना के सनी राज का विशेष रोल रहा इसको ट्रेस करने में। तो इसमें एक लड़का हमने जयपाल सन ऑफ मोहर सिंह है, ये जलालपुर का, उसको गिरफ्तार किया है और ये संभल जिला यूपी का है। तो सर उनको फोन करके बुलाया गया था? हाँ, ये बात ठीक है कि उनको फोन करके बुलाया था। इस द्वारा इसने अपने फोन से फोन किया और वो फोन किसी और से करवाया इसने, ताकि कोई इसको आइडेंटिफाई ना कर सके, और उनको वहाँ बुलाया। और बुला के इसने बड़ा वेल प्लान्ड, इसने 4 दिन पहले स्टोरी अपने दिमाग में घड़ी। पहले इन्हें बुला के होटल पर उनको, जो मृतक हैं हाइड्रा के मालिक दोनों भाई, उनको पहले होटल पर चाय पिलाई, और वहाँ चाय पिलाने के बाद में फिर ये पुल जिसके नीचे ट्रैक पर बॉडी रखी, उससे चढ़ाई की साइड में हाइड्रा खड़ा करके एक एक बड़े लड़के बड़ा भाई जो था उसको ये लेके गया कि भी मेरी यूटिलिटी पलटी हुई है इधर, और आओ रास्ता देखते हैं आपकी, वहाँ ये हाइड्रा चली जाएगी कि नहीं खेतों के रास्ते में। तो 2 किले आगे ले गया, जो इसके दिमाग में स्टोरी के मुताबिक ये उनको बड़े को एक को लेके गया। उससे पहले ही इसने वहाँ एक रोड, एक पाइप थी लोहे की, और उसके आगे चौबे जो कील होती है वो 4-5 वेल्ड करके, और वो वहाँ पहले छिपा के रखी हुई थी। इसने कहा कि ये रास्ता देख लिया, करीब 2 किले आगे लेके गया, और वहाँ पुलिया के नीचे इसने लोहे की पाइप छिपा के रखी हुई थी। उसको कहा भी ये देख ले, वो वहां से थोड़ा सा वापिस मुड़ा भी, चलो ठीक है मैं पेशाब करता हूँ। तो ये जो अक्यूज है इसने पेशाब के बहाने बैठा, और अंधेरे में वो पाइप उठा के वो चलते गए, उसके सिर में इसने कील वाली साइड से हिट करी 5-6 बार, और वो बंदा वहीं गिर गया। गिर गया, उसको वहां से गिरे हुए को थोड़ा सा साइड में करके, और दूसरा भाई जो हाइड्रा के पास खड़ा था 2 किले दूर, फिर ये उसके पास आया। उसको कहने लगा भी तू अब ऐसे कर, जो उसको गाड़ी को निकालने के लिए जो पटा होता है, पहले तो लोहे की वो होती थी, आजकल सिंथेटिक का पटा है, पटा ले चल वहां उसके बांधना है। तो उसको लेके गया, पीछे से इसने उसी हाइड्रा के अंदर से एक लोहे की रोड निकाल ली थी अक्यूज ने, और उसके पीछे पीछे हो गया। एक किला जाने जाके पहले वाले उसके भाई को 2 किले आगे ले गया था, दूसरे भाई को 1 किला चलते ही वहां इसने हिट किया, 4-5 बार किए इसने, वहीं गिर गया। टोपा हालांकि उड़ा हुआ था, वहीं गिर गया। उसके बाद में फिर ये हाइड्रा की तरफ आया, क्योंकि ये खुद हाइड्रा चलाता है यहाँ, इसके ऊपर टिटोली जो अनच के ऊपर ब्रिज बन रहा है वहां ये लगा हुआ है। तो ये हाइड्रा खुद वहां ड्राइव करके ले गया,
पहले सरू वाले लड़के को डाला इसने, फिर दूसरे को डाला और आइड्रा को बैक ही बैक करके लाया, क्योंकि वहां मुड़ने की जगह नहीं, एक के खेत हैं दोनों तरफ। वापिस आया, आके फिर इन बॉडियों को लेके गया ये रेलवे ट्रैक की तरफ। वहां एक एक ट्रैक पर दोनों अलग अलग ट्रैकों पर डाल दी, पुल के नीचे डाल के, और फिर आइड्रा को वापिस लेके आया। वापिस लाके फिर पुल की चढ़ाई जो है जो जीन साइड से, वहां आइड्रा इसने खड़ा कर दिया। और फिर वो ये गया है वहां जहां खून वगैरह पड़ा था, वहां मिट्टी डाल के आया है, और वो जो पाइप थी जिससे वो उनको मारा है उसको वहां डाल के ये के खेत में फेंक दी इसने, और उनके जो बाकी सामान पर्स वर्स था वो अपने साथ ले गए, मोबाइल वगैरह, और आइड्रा लेके ये वहीं चला गया टिटोली ब्रिज के ऊपर।